सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले इंदौर शहर का प्रशासन उन सफाई कर्मियों को बीसीसीआई वर्ल्ड टीम के द्वारा न सिर्फ सम्मान दिलाना चाहता है जिन सफाई कर्मियों की वजह से ये तमगा हासिल हुआ है, बल्कि उन सफाई कर्मियों को मैच के पास भी दिलाना चाहता है ताकि वे मैच का आनंद ले सकें। इसके लिए निगमायुक्त व कलेक्टर ने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर शहर की पहचान अब देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में स्थापित हो गई है और इसके लिए प्रशंसा के हकदार प्रशासन व जनता के साथ साथ वो सफाई कर्मी भी हैं जिन्होंने इस कार्य को अपनी पूजा की तरह किया है। सफाई कर्मियों के कार्य के बदले में अब निगम प्रशासन समय समय पर उनका सम्मान कर हौसला बढ़ाता है। इसी कड़ी में इस बार नगर निगम भारतीय क्रिकेट टीम के हाथों न सिर्फ सफाई कर्मियों का सम्मान कराना चाहता है बल्कि रोजाना उनके लिए पास भी चाहता है। निगमायुक्त ने इसके लिए जिला प्रशासन से पत्र लिखकर आग्रह भी किया है कि वो बीसीसीआई से आग्रह करें कि वो इंदौर की सफाई कर्मियों के लिए स्पेशल पास दे ताकि वो या उनके परिजन मैच का आनंद ले सकें, वहीं उनके काम का खिलाड़ियों के हाथों सम्मान हो। देखिए, हमने मीटिंग में ये बात रखी थी और अभी एक कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोग पत्र भी भेज रहे हैं जिसमें कि हमारे द्वारा ऐसी मांग की जा रही है कि इंदौर के नंबर वन वाले टैग को देखते हुए और उसमें सफाई कर्मचारियों का जो योगदान है उसको देखते हुए डेली कम से कम 100 पासेस इनके लिए, हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए रखे जाएँ। इसके अलावा हमारे सफाई कर्मचारियों का कहीं कहीं किसी स्तर पर सम्मान भी वहाँ पर किया जाए, ऐसा पत्र कलेक्टर साहब की तरफ से हम लोग बीसीसीआई को भिजवा रहे हैं। निगम के इस प्रस्ताव को जिला प्रशासन ने आगे बढ़ाते हुए बीसीसीआई तक पहुंचा दिया है और ये माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो टीम ऑफिशियल्स के साथ इंदौर के सफाई कर्मियों का एक इंट्रोडक्शन या सम्मान कार्यक्रम रखा जा सकता है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जब हमारी बैठक हुई थी तो हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि क्योंकि ये मैच देश के सबसे स्वच्छ शहर में हो रहा है और सफाई कर्मियों की भूमिका बहुत अहम है तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और वो और ऊर्जा से काम कर सकें, उनको रोस्टर सिस्टम से हम लोग पास दिलाने का विचार करें और इसके ये भी सुझाव दिया था कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम से उनका छोटा सा अगर इंटरनेशनल आयोजित हम लोग कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे उनके द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो और ऊर्जा से काम कर सकेंगे। एज ऑफ नाउ दोनों ही प्रकरण पे विचार चल रहा है और हम होपफुल हैं कि दोनों ही प्रस्ताव पे स्वीकृति मिल जाएगी एमपीसी। इंदौर नगर निगम व जिला प्रशासन के प्रयास यदि संभव हुए तो इंदौर के सफाई कर्मियों की मुलाकात भारतीय टीम के खिलाड़ियों से होगी और हौसला सातवें आसमान पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।